बना रहे हैं घिया और चने की दाल और हांडी फोन फोन के मैंने रख दी है और ये छींकों की आवाज़ भी आ रही होगी आपको। तो ये देखो जी, इसको अच्छी तरह भून लिया। अब बस मैं चने की दाल शामिल करूँगी और उसको थोड़ा सा अल्टा पल्टा करूँगी और पानी दो ग्लास डालकर इसको वेट लगा दूँगी पास। अब इसके गलने का इंतज़ार करते हैं। और दूसरी साइड क्या हो रहा है, ये हमने लहसुन अदरक कूट लिया है और ये बनाने लगे हम राइस। आज हम बनाने लगे हैं ब्राउन राइस। और ये देखें चावल भी हमने अच्छे वाले अपने अबू के खुशी, मेरा अबू ना ये हमेशा भी वाले चावल नहीं खाते हैं ना, खाना खाना बनाते हैं ना, तो अब वो जो नॉर्मल चावल होते हैं ना वो पसंद नहीं करते। तो मैंने आज अपने अब्बे के लिए महंगे वाले चावल मंगाए ताकि मेरा अब्बा खुश हो जाए। तो ये है कि रास्ते सारे बंद हैं, तो अबू माशाल्लाह हमारे घर पर ही हैं और हम भी बंद घरों में हैं, ना हम जा सकते हैं ना हम आ सकते हैं। तो बंद घरों में कुकिंग किस तरह हो रही है, चीज़ों को किस तरह इस्तेमाल में लाया जा रहा है, और फिलहाल हमारे पर दालों का स्टॉक है तो हमने इनको अन्नी हुआ जितने दिन हम इधर हैं तो हमने इनको दालें और चोल खिलाने हैं। तो बस चले जी, अब अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चने की दाल इसमें शामिल किए हैं और ये देखिए घिया और हरी मिर्च कितने प्यारे फ्लेवर आ रहे हैं माशाल्लाह। तो अब हमने इनको खिलानी है अन्नी वाह दालें ही दालें और इंजॉय करना है। तो जनाब जी चिकन भी अब हम सोच नहीं सकते, क्योंकि जनाब जी अब हम चिकन को कैसे लाएंगे, हम जा नहीं सकते आ नहीं सकते। तो अल्लाह ताला आसान करे हम सब पर, हमारे वतन पर। तो जो इस वक्त घर में अवेलेबल है उसी के साथ इंशाल्लाह हम गुज़र बसर करेंगे। तो आपसे भी शेयर करेंगे कि हम इन दिनों में क्या कर रहे हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो मैंने कहा चलो पानी भी शामिल कर देना, वो भी दिखा दें आपको। अच्छा कुकर में ये 5 मिनट में दाल गल जाएगी है और साथ ही मैंने चढ़ा देना चावल। ट्राईपॉड नहीं लगाया हुआ, हाथ में मैंने पकड़ा हुआ मोबाइल, मैं कहा चलो कोई बात नहीं। तो ये और इस तरफ क्या हो रहा है, इस तरफ मेरी दो बेगम बना रही हैं प्याज और टमाटर का सालन, क्योंकि उसमें देर है और ये नाश्ता बन रहा है यहाँ पर। और बेटी मेरी बना रही है नाश्ता और सास बना रही है जनाब जी दोपहर का खाना। तो हमने कहा चलें जी मिल मिला कर काम कर लेते हैं। तो ये सालन हमारे बहुत पसंद किया जाता है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो चलें जी अब ये वो बन रहा है, हम अपना करते हैं काम। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद जी। अब हमने चढ़ा दी है दाल, मेरी हो गई है वेट उसका खोलना है। और मैं कहा साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चावल बनाने लगी हूँ और कैमरे में बड़े स्टाइल स्टाइल लगा रही हूँ। अब आपने मुझे बताना है कैमरा कैसा लगा हुआ है। और ये लें जी, अच्छा मैं घी इतना शामिल करती हूँ जिसमें ये प्याज सारी भीग दे। तो अब वो कहते हैं फिर चावल ना बड़े आराम से बनते हैं, हलक से उतरते हैं। आप लोगों की मामा बताती होंगी, हमारे पापा हमें बताते हैं इस तरह के। हमारे पापा इज़ अ कुकर और बड़े टाइम के ऊपर मैंने माशाल्लाह इसका वेट खोला है। ये देखें वरना दाल लग जानी थी। चलो जी कैमरे को थोड़ा दूर लगाया क्योंकि सेका बहुत जा रहा था और ये ना होगा भाई मोबाइल ही मेरे ऊपर फट दे। ये जीरा और तेजपत्ता इसमें शामिल कर दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल बहुत मज़े के बने और चावलों पे कलर बहुत ज़्यादा आए तो हमारे अबू जान कहते हैं कि प्याज ज़्यादा शामिल करें और ज़ीरा और तेजपत्ता भी इसमें शामिल करें और प्याज को अच्छा सा कलर दें। और यह है कि लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है वो इसमें शामिल कर ऐसे चलाया और इसके ऊपर हल्का सा पानी का वो लगा दिया, छिट्टा ढक्कन लगा देना पास। फिर आप देखें खुशबुएं चली जाएंगी मोहल्ले में, पता चलेगा आंटी फिर बहुत ज़बरदस्त कुकिंग कर रही हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। और जब मैं अपनी कैंटीन पे काम करती थी तो अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, समोसों में जो हम मसाले शामिल करते हैं और शामिल करो या ना करो एक इंसान का ना क्या जायका होना है, कहते कहते अल्लाह ताला का फजल होता है और हाथों का जायका मसाले ये सब तभी होंगे जब अल्लाह ताला की रहमत होती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे पकोड़े बहुत ज़्यादा बिकते थे। तो ज़्यादा मैं जो फेमस हूँ वो पकोड़ों वाली और समोसों वाली आंटी है, तो मैं अच्छे आगे बढ़ूँगी या फुप्पो। तो चले जी अल्लाह ताला सलामत रखें। और बच्चे सारे मुझसे इंसिस्ट कर रहे हैं आंटी आपके सारे वादे कब पूरे होंगे, तो मैं आगे कर लूँगी वादा। और अच्छा आप लोगों के दिलों में ये बात आ रही होगी कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतना फजल इतनी रहमत की और मैंने कोई सेलिब्रेशन नहीं की। सेलिब्रेशन इसलिए नहीं की कि जब 1 के हुए तो मेरी खाला का इंतकाल हो गया था और ये खाला मेरी ताई भी थी और इनके साथ मेरी बहुत मोहब्बत थी, सब खालों के साथ हैं।
मेरी सारी खालाएं बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये वाली खाला के साथ हम ज़रा करीब ही रहते क्योंकि ताई भी थी और इनके बच्चों के साथ हमारा बहुत ज़्यादा वो था, और फिर इस वजह से दिल ना मुतमिन नहीं था, और दिल मुतमिन कैसे होता, होना ही नहीं था मुतमिन। उसके बाद जब माशाल्लाह दूसरा काम हुआ वो भी इस वजह से कि जिस मोहल्ले में मैं रहती हूँ ना, इस मोहल्ले की मेरी चमपल है, और इधर जो माशाल्लाह थे हमारे अंकल वो ये कहते थे कि सर मैं तेरी वीडियो नहीं देखनी, मैं तेन अनसब्सक्राइब करना, तू मैनू केक नहीं खवाया, तू मैनू समोसे नहीं खवाए। और जिस दिन मुझे खुशखबरी मिली कि माशाल्लाह मैं अचीव कर रही हूँ और अल्लाह ताला की रहमत हो रही है, और साथ ही पता चला कि जनाब जी मेरे प्यारे से भाई का इंतकाल हो गया, तो बस फिर तब भी दिल नहीं करा। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह सेलिब्रेशन भी करेंगे इंशाल्लाह, ज़रा थोड़ा सा हालात बेहतर हो जाएँ, मुल्की हालात, दिल के हालात बेहतर हो जाएँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आगे आगे इंशाल्लाह खुशहालियाँ हैं और भी बहुत कुछ हमने अचीव करना है इंशाल्लाह आपके साथ साथ। और ये आ रही है खुशबुएँ माशाल्लाह, ये आ रही हैं खुशबुएँ। अच्छा, इसमें मैंने सिर्फ जस्ट नमक शामिल करना और मैंने इसके अंदर कुछ नहीं शामिल करना, क्योंकि बना रहे हैं ब्राउन राइस ज़बरदस्त। अब इसमें सॉल्ट शामिल करते हैं, और आपने बताना है आज मेरा कैमरा कैसा लगाया है, और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया, और बहुत आप सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये कामयाबी अल्लाह के करम से होकर रहेगी और माशाल्लाह हो रही है, और बहुत खुश भी हूँ। बच्चे भी मुझे कह रहे हैं मामा आपके चेहरे से कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, आपकी कोई वो नहीं, बोंगियाँ छोंगियाँ चल रही हैं, उदास उदास ही हूँ मैं, तो कोई चहक महक सब मेरी वो हुई हुई है, तो क्या करूँ इंसान हूँ मैं भी। तो खुशी एकदम मिली, अचानक मिली, और इस खुशी के लिए जो थोड़ा थोड़ा जिस तरह सब्सक्राइबर बढ़ते रहे, वॉच टाइम बढ़ता रहा, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और इंशाल्लाह आपसे बातचीत भी होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो चलो जी अभी ये सारा करके प्रोसीजर फिर मिलती हूँ। फिर आपने कहना ओ बाजी फिर तुसी वीडियो क्यों जी बना देती है, पूरी कर देती है। तो ये देखें इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, और ये कलर देखें ये सारा बहुत प्यारा माशाल्लाह आया हुआ है। तो बस जनाब इसको हम करते हैं दम की तरफ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जी ये हमारी दाल हो गई है, इसमें हमने थोड़ा सा पानी शामिल किया, कुकर से बाहर निकाल लिया हमने, बच्चे में जो आप करवा दें, तो इसको हमने थोड़ा सा उसमें पानी शामिल किया ताकि ये चावलों के हिसाब से ना थोड़ी रनी रनी सी बन जाए दाल, और इनको शाम तक मैंने यही दाल खिलानी है खाया से। और आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, सबके साथ ही हो रहा है, शायद हमारे साथ हो रहा है। हम मगरिब के टाइम खाना खाते हैं और उसके बाद जनाब जी हमें 10 बजे फिर भूख लग जाती है, फिर अजीम आ जाते हैं हिलते जुलते, मामा भूख लग रही है कुछ है, मैं तो फिर ये कहते चपेड़े हैं खाने का दर्द हो रही है, तो फिर ये हाल हो रहा है। तो आप भी बताएं कि आप लोगों को भी बार बार भूख लग रही है, यहाँ तो मेरे बच्चों को बहुत लग रही है। तो चलिए जी उसको चावलों का पानी भी बॉयल हो गया है, तो उसमें चावल शामिल करते हैं, और बस लास्ट में तड़के में मिलते हैं जी। माशाल्लाह दाल हमारी माशाल्लाह फाइनल बहुत अच्छी हो रही है, और हमने आज सोचा कि क्यों ना हम इसके अंदर अंबी शामिल कर दें। ये छोटी छोटी सी अंबियाँ ना दरख्त में लगी हैं, तो ये हम इसमें शामिल कर रही हैं, इसे खटाई भी कहते हैं ना। और मेरी सास तो माशाल्लाह इनको काट के धागे में पो कर सुखाती थी, और जब जब दाल बनाती थी ना उसमें शामिल करती थी। तो आज हमने अपनी सास को याद ताज़ा किया है, और मेरी सासू माँ मेरी वीडियो देखती है माशाल्लाह, हो गई वाह जी वाह। तो ये ले जी दाल ऑलमोस्ट हो गई है रेडी, क्योंकि इससे ठंडा हो गया और गाढ़ा हो जाना, तो बस इसको हलाते हैं जुलाते हैं हलाते हैं जुलाते हैं, और इसको लगाते हैं तड़का। तो अभी जो बेटी ने बनाया था सालन, उसकी जो तरी रह गई है वो इसमें हम शामिल कर लेंगे तड़के के साथ, तो मिलते हैं तड़के के टाइम पर। हरी मिर्चें भी शामिल कर देते हैं, ठीक हो गया। और बस दाल को हमने चूल्हे से नीचे कर दिया है, और ये माशाल्लाह इतनी प्यारी सी हरी मिर्चें हो रही हैं, बस इंशाल्लाह भरी हुई मिर्चें बनाएंगे, और तड़का भी रेडी हो रहा है, और इसमें हम थोड़ा सा गर्म मसाला शामिल कर रहे हैं, गर्म मसाला इसमें शामिल करके ताकि अच्छा सा इसमें खुशबुएँ आ जाएँ, पता चले कि आज मामा ने कोई ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। और ये ना जी ज़बरदस्त हरा धनिया, अब आ जाएगा तड़का। ये
डाल के दूध चेक करें और हम इसको थोड़ा सा हला लेंगे ताकि जरा अच्छी सी जरा शक्ल आ जाए, आपको भी जरा नजर आए। और भाई हमारी बेटी को लग गया है नाक में मसाला, उसने कहा ना आज मामा ने ना मेरी नाक का ना दम मस्त कलंदर कर देना है। तो ये देखें जी मजेदार सी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी घिया चने की दाल रेडी है। तो अभी चावल दम पे हैं, दोनों को डिश आउट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। कद्दू लाए हैं, कद्दू खा लेते हैं? नहीं हाँ ये देखें जी, नहीं खाते, कभी खाया है नहीं। हाँ तो देखिए ये देखें जी चावल माशाल्लाह खिले खिले चावल, और वन हैंड इज कैमरा और सेकंड हैंड इज चावल पुटिंग। इसको मैं अच्छी तरह करती हूँ और आप चावलों को देखें कितने प्यारे माशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह ये हमने बनाया है प्लेटर एकदम जबरदस्त था, और ये देखें जी अचार भी लिया है, और हमने सैलड के तौर पे प्याज हरी मिर्च और खीरे अभी अवेलेबल नहीं थे तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं इट्स ओके। और ये बन गई है बड़े मज़ेदार सी सारी घिया दाल और साथ ब्राउन राइस। तो वीडियो अच्छी लगी हो मज़ा आया हो तो बस लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मोहब्बत के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा कि जैसे इंशाल्लाह वीडियो आए अपने वक्त के हिसाब से आप मेरी वीडियो को वॉच करें। और यही कहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब के खानों को हमारे लिए बाइस रहमत बरकत सेहत इबादत और दुआ की कबूलियत का जरिया बनाएं, खुश रहें और खुश रहने दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।